वीडियो शॉट 29 दिसंबर 2020। तो ये तो हमें पता ही है कि मार्केट कहाँ मूव कर रही है, और ये भी हमें पता है कि मार्केट जहाँ मूव कर रही है वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या ओपिनियन है। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा होता नहीं, तो वो अपने पैसे को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है अनयूजुअली कुछ पेनी स्टॉक सर्किट में चले जाते हैं और एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि ये पेनी स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैं पिछले कुछ दिन से दो पेनी स्टॉक्स पे एग्रेसिवली रिसर्च कर रहा था और फॉर्चुनेटली दोनों पेनी स्टॉक्स की रिसर्च कामयाब हुई। एक आईटी का स्टॉक है और एक फार्मा का स्टॉक है। फार्मा स्टॉक में हमने पोजीशन ले ली है और आईटी स्टॉक में समहाउ हम पोजीशन बहुत जल्दी लेंगे। हर पेनी स्टॉक फ्रॉड नहीं होता, लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक पे प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर उसकी बैलेंस शीट को देखेंगे, उसकी रेशियोज को देखेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, उनके प्रोप्राइटर्स को देखेंगे, उसकी एफआईआई होल्डिंग को देखेंगे, पीछे हिस्ट्री में बैकग्राउंड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ पेनी स्टॉक वक्त के कारण आई वुड से ऊपर नहीं आ पाते, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे कि 2020 में जब हमने कहा कि वोडाफोन 13 जाएगा, तो वोडाफोन भी एक पेनी स्टॉक था, तो वोडाफोन 2 रुपीज पे था। और इसके अलावा ऐसे कितने पेनी स्टॉक हैं जो वक्त के साथ ऊपर हुए हैं, और मेरे को सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वोडाफोन इन टफ कंडीशंस को क्रॉस कर जाता है और अगले 5 साल में यही वोडाफोन 100 रुपीज से भी ऊपर का हो जाता है, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, वोडाफोन की सिचुएशन टफ है, काफ़ी ज़्यादा डेट है, गवर्नमेंट का अमाउंट पे करना है, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट से बात चल रही है, इश्यूज हैं डेफिनेटली। ऊपर से इस सेक्टर में अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, रिवेन्यू कम हो रहा है, तो ये इश्यूज हैं, आई एग्री, मैं इन इश्यूज से भाग नहीं रहा। लेकिन अगर वोडाफोन अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करेगा तो गॉड नोज वोडाफोन अगले 5 सालों में 100 क्रॉस कर सकता है। ऑफकोर्स मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वोडाफोन बाय कर ले, प्रॉपर रिसर्च चाहिए होगी और रेगुलर रिसर्च चाहिए होगी वोडाफोन के ऊपर, जिसमें समय लगेगा। पेनी स्टॉक को रीड करने का एक तरीका होता है और पेनी स्टॉक को हर तरीके से रीड नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली रोज व्हाट्सएप मैसेजेस पे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ये पेनी स्टॉक ले लें, हम वो पेनी स्टॉक ले लें, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, सर आप ये मुझे बताओ, टू बी ऑनेस्ट, कि पेनी स्टॉक बाय करने से पहले आप कौन सी 5 चीजें देखते हो। आपको पता है किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी चाहिए कि उस पेनी स्टॉक में टेक ओवर पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब आप कहोगे कि टेक ओवर पॉसिबिलिटी क्या होती है, गुड क्वेश्चन। टेक ओवर पॉसिबिलिटी एक ऐसा फिनोमिना होता है कि वो कंपनी बाय आउट हो सकती है, जैसे कि 3i इंफोटेक। जब मैंने पहली बार 3i इंफोटेक पे रिसर्च करी तो मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद आया, मुझे लगा कि इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त पोटेंशियल है। ठीक है, समहाउ जो भी इश्यूज रहे, लेकिन अब जब एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने 3i इंफोटेक का बिजनेस लिया है तो ये अपर सर्किट में चला गया। आई एम श्योर काफी लोग इसको बाय करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन 3i इंफोटेक ऐसा इकलौता पेनी स्टॉक नहीं है जिसमें टेक ओवर पॉसिबिलिटी है। ऐसे कई पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें टेक ओवर पॉसिबिलिटी है। अब पॉइंट वही है कि जब हम पेनी स्टॉक का रिसर्च करते हैं तो क्या हम, पहले तो हम पेनी स्टॉक का रिसर्च ही नहीं करते। हिंदी मीडिया में एक आदमी बोलता है फ्लैश करके, बाय दिस, और हम बाय कर लेते हैं स्ट्रेट, बगैर सोचे कि इस स्टॉक का वो क्या है। जैसे कि आजकल इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर पे जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे रिन्यूएबल सेक्टर में मतलब, जैसे कि सोलर सेक्टर में, और सोलर सेक्टर से रिलेटेड ऐसे
कई पेनी स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं और काफी पेनी स्टॉक्स में एनसीएलटी का एक्शन है, मतलब कि ह्यूज डेट उनकी बुक्स में था, फ्रॉड हुए, फिर ऑल ऑफ अ सडन कंपनी बंद हो गई, अब इन्वेस्टर भागा भागा फिर रहा है अपने पैसे के लिए। और हिंदी मीडिया जबरदस्त कोशिश कर रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर्स को पुश किया जाए, जबकि बहुत जल्दी हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो एक्शन दिखाया जा रहा है रियलिटी उससे बिल्कुल उल्टी है। और आई एम श्योर कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने रिन्यूएबल सेक्टर्स में अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट करी होगी, अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट करी होगी, लेकिन उनको इतना नहीं पता होगा कि रिन्यूएबल सेक्टर की जो राइट रियलिटी है वो जो मीडिया में आ रही है उससे कंप्लीट अपोजिट है। क्योंकि ना लोगों के पास फैक्ट्स होते हैं, ना फिगर्स होती हैं, ना रिसर्च होती है, स्टेटस को तो वो कभी चैलेंज कर ही नहीं सकते। स्टेटस को चैलेंज करने का मतलब है कि हमने वो करना ही नहीं है, कि जो चीज मीडिया में आ रही है वो सत्य वचन। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कभी कभी सोचता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जब मीडिया स्टॉक पेनी स्टॉक्स में पोजिशन लेता है तो वो किस बेस पे पोजिशन लेता है। आपको पता है 99% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पेनी स्टॉक में हैचिंग पीरियड क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हैचिंग पीरियड क्या होता है। हैचिंग पीरियड का मतलब होता है जैसे कि आपने एक पेनी स्टॉक लिया, उस पेनी स्टॉक को आप कितने समय तक रखेंगे कि वो पेनी स्टॉक 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स एज्यूमिंग इतना हो जाए। हर पेनी स्टॉक का हैचिंग पीरियड अलग होता है और होना भी चाहिए, और काफी पेनी स्टॉक्स में हैचिंग पीरियड होता ही नहीं है। लेकिन लेकिन जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स को हिंदी मीडिया में डिपिक्ट किया जाता है उससे ऐसा लगता है कि हर पेनी स्टॉक में हैचिंग पीरियड 20 डेज, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जबकि रियलिटी ये होती है कि पेनी स्टॉक्स का हैचिंग पीरियड कभी कभी 4 इयर्स 5 इयर्स तक भी जाता है। उसमें कई क्लॉज, रेगुलर रिसर्च और ये सब हमें करके देखना पड़ता है। मतलब इट्स नॉट एन इजी जॉब, मतलब ये इतना इजी जॉब होता नहीं जितना लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस चीज को किया कैसे जाए। रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ आता नहीं, वो सीखना नहीं चाहते और इसलिए उनको ट्रिमेंडस लॉस होता है। और मीडिया तो दैट इज आज जब एयर एशिया की न्यूज आई कि एयर एशिया अराउंड 33% स्टेक इंडियन ऑपरेशंस में सेल कर रहा है टाटा सन्स को अराउंड 37 मिलियन डॉलर्स में, तो मैंने रफली कंप्यूट किया कि 1% स्टेक अराउंड 1 मिलियन डॉलर के आसपास बैठती है। मैंने सोचा एयर एशिया जैसा बड़ा ब्रांड अपनी स्टेक बेच के, मतलब प्रोबेबली वो इंडियन ऑपरेशंस को क्विट कर रहे हैं, यही तो फैक्ट है। क्योंकि अगर एक जेवी में, जॉइंट वेंचर में मेरी स्टेक है, मैं वो स्टेक अपने उस पार्टनर को बेच रहा हूं जिनकी ज्यादा स्टेक है, इट मीन्स मैं उसको क्विट कर रहा हूं। पॉइंट इज क्लियर। अगर मैं उसको क्विट कर रहा हूं इट मीन्स उसकी कुछ पॉजिटिव रिपरकशंस हैं और कुछ नेगेटिव रिपरकशंस हैं। पॉजिटिव रिपरकशंस और नेगेटिव रिपरकशंस हमें दोनों देखनी चाहिए, लेकिन हम दोनों में से एक भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें वो एनालिसिस करनी नहीं आती, ना ही हम इंटरेस्टेड है, और हिंदी मीडिया करेगी नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें कैसे टेक ओवर पीरियड या हैचिंग पीरियड को निकाले। इस चीज को कंसीडर करते हुए ट्रेजरी कंसल्टिंग ने काफी यंगस्टर्स के ओपिनियन पर, क्योंकि काफी यंग बच्चों ने हमें मैसेज लिखे, हमने एक कोर्स, पहले तो हमने एक अकेडमी लॉन्च करी है जो शीतल अकेडमी के अंदर आएगी, और इस अकेडमी में पेनी स्टॉक से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी। और ये अकेडमी एनएससी और बीएससी के सारे पेनी स्टॉक्स कवर करेगी। ट्रेनिंग्स, ट्रेडिंग नहीं कि ये ले लो वो ले लो समथिंग लाइक दैट। दूसरा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेनी स्टॉक्स का एक बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप एक लार्ज कैप लेंगे उसको 2 टाइम्स होने में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, और अगर आप ठीक से रिसर्च करके एक पेनी स्टॉक लेंगे
और अगर सब ठीक रहा रिसर्च के हिसाब से और आपने उसको 2-3 ईयर्स तक रखा तो वो आपको एक बहुत डिसेंट रिटर्न देके जाएगा। बट बात वही है रिसर्च, और वो हम करेंगे नहीं। अगर आपको इस एकेडमी या इस बेसिक कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818485155। और अब हमारा बैक ऑफिस नंबर की कॉलिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी गई है, अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, विच इज 9818485155। हैव अ ग्रेट टाइम। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में किसी भी हाइप में जाने की बजाय पहले रिसर्च करें, पेशेंस रखें। कभी कभी मार्केट्स हमें पुश करती हैं कि हम जानबूझ के किसी हाइप में फ्लो करें, लेकिन एक रियल इन्वेस्टर वो होता है जो हाइप में फ्लो ना करके ये देखता है कि क्या ये राइट टाइम है या नहीं। थ्रिया इन्फोटेक की डील ने, अच्छी बात है थ्रिया इन्फोटेक की डील हुई, गुड न्यूज, थ्रिया इन्फोटेक की डील ने दो मेजर पेनी स्टॉक तो नहीं बोलूंगा, दो मेजर स्टॉक्स में एक पुश क्रिएट किया है। और पिछले 2 दिन से मैं ये देख रहा हूं कि क्या हिंदी मीडिया थ्री आई इन्फोटेक की डील को कवर करेगी, लेकिन उसका कंसर्न ही नहीं है। उसको तो सिर्फ 4-5 स्टॉक्स मिले हुए हैं, वो उसी के पीछे भाग रही है, एज सिंपल एज दैट। थ्री आई इन्फोटेक की डील ने एक मेजर इश्यू रेस किया, मतलब पॉजिटिव इश्यू रेस किया है 2 स्टॉक्स में। एंड आई एम श्योर कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप YouTube खोलेंगे तो YouTube पे कई लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ये स्टॉक ले लीजिए 2000 इस पीरियड में आप इतने करोड़पति होंगे, अगर आपने 10,000 लगाया होता तो आज आप इतने 100 करोड़ के मालिक होते। कम ऑन गाइस, कम ऑन। अगर आपको ये पता है कि आप इतने करोड़ लगाएंगे, इतने रुपए लगा के 2000 समथिंग में करोड़पति हो जाएंगे, तो आप खुद ही लगाइए। कोई आदमी रिसर्च की बात क्यों नहीं करता? हर आदमी आपको ये तो बोल रहा है कि ये बाय कर लीजिए, वो बाय कर लीजिए। सर, ये बाय और वो बाय करने से पहले उसकी रिसर्च सीखिए कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। अगर जब तक आप अपने हाथ से रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप इन जैसी कॉल्स में इधर उधर घूमते रहेंगे। और राइट इन्वेस्टर वो होता है जो अपने हाथ से रिसर्च करता है। बाकी तो आप समझदार हैं, यू नो। दिस इज राहुल फ्रॉम ट्रेशी कंसल्टिंग, यू नो आवर व्हाट्सएप 9818485155। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू।